एक हमारा रिट्रीट बन रहा था, बिलासपुर से मैं हूँ, तो शहर से दूर वो रिट्रीट बन रहा था। आज से ये मैं 18 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग रेतियाँ ईटा सारी कार सेवा चलती थी, 10-10 फीट के गड्ढे, जैसे आप शांति वन में तपस्या धाम देखते ना कमल पुष्प का, ऐसा सिर्फ वही बना हुआ है बिलासपुर में सेम। तो पूरे गड्ढे वड्ढे हमने अपने हाथों से, आदत नहीं थी फिर भी खोदे हैं माना। तो हम लोग उस समय, मैं लगन की बात बता रहा हूँ, कि सारा गड्ढे खोद रहे हैं, बोरियां ढूंढो के लेके जा रहे हैं, ईटे साइकिल में भर भर के बोरियां। उस समय हम 50-50, 55-55 बार स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते थे, कर्म करते थे। मैं ये 500 रूप का अभ्यास देखा है आपने, एक पट्टी जैसी एक छोटा सा, ये हमने वहां बनाया था बिलासपुर में आज से 10-12 साल पहले, वो पट्टी 500 रूप की। देखिए आप लोगों ने जो बिकती है मधुबन में, देखिए किसने देखिए, 500 रूप की पट्टी नहीं होती जो जिसमें। तो उस समय हमने तैयार की थी, जो पूरे विश्व में रतन मोहिनी दादी जी ने भी एक साल से लेकर 50-55 साल तक की बहनों को वो सौगात में दिया था, पता नहीं आप लोगों को मिला होगा उस समय। तो वो कैसे क्रिएशन, एक गांव में क्रिएशन हुई थी। तो सच्ची तपस्या बाबा की नजरों में वो आत्मा होती है। तो पांच स्वरूप के अध्यास की बात बाबा ने बाद में मुरलियों में कहा कि दिन में 8 बार करो, और अब मुझे ये लगता है वो धुम्मस कर रहे हैं और बस परम धाम में मैं ज्योति सुनो बिंदु रूप आत्मा, फटाफट सत्ययुग में आया श्री कृष्ण के साथ वो दिव्य संस्कार, द्वापर में गए तुझे स्वरूप, संगम में भी ब्राह्मण परिष्ठ, ऐसे धड़ाधड़ वैसे चलता था चक्र, माना इतना नेचुरल हो गया था पांच स्वरूप का, बहुत नेचुरल। तो ये कर्म करते हुए जब आप ये करोगे तो आप मेहनत मुक्त आपकी सेवा होगी, मेहनत नहीं होगी, सहज हर चीज सहज होगी। बिना तपस्या के सेवा में मेहनत है, और जहां तपस्या योग युक्त सेवा है वहां मेहनत है, सहज सफलता है। आप कहीं 2 घंटे, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, एक प्रकाश भाई भी है सेवाओं में रहते ही हैं, हम सेंटर पे बैठे हैं, एक साउंड सिस्टम लिया था, सेवा हुई, वो मांग रहा था 3,000 रुपए, और एक भाई या एक बहन हमारी वो 500-600 रुपए देना चाहती थी या 1,000 रुपए देना चाहती थी। 2 दिन से वो आ रहा था, 2-2 घंटे बरस करके जाता था, वो कहते थे नहीं इतना देंगे, वो कहने मैं 3,000 दूंगा, वो बोले मैं 1,000 ही दूंगा, ठीक है इधर मैं मनाने में जो भी है। तो एक दिन शाम का समय था, बाबा के कमरे में ऐसे बैठे थे, बहुत प्यारा वातावरण था, वो फिर आया, ठीक है 2-3 दिन से 2-2 घंटे बहस करके जा रहा था बाबा, अचानक वो आया, फिर आवाज सुनी बाबा खुद ने सोच के कहा और उसको कहा आपको पता है आप किसकी सेवा आपने की, ये किसका घर है, आपने किसके कार्य पे साउंड लगाया था आपको पता है। तो वैसे ऐसे देख रहे ऐसे उसको प्यार से, बड़ी उम्र का था, उसको प्यार से सिर पे हाथ घुमा के टोली मुंह में डाल के 500 का नोट जेब में डाल के तो ऐसे देख रहा है भैया आपको जब भी जरूरत हो ना साउंड की, पैसे की चिंता नहीं करना, वो बोलता है आप मुझे बता देना मैं आ जाऊँ। अच्छा एक आधे मिनट में, मैंने एक एग्जांपल, ऐसे तो 1,000 उदाहरण होते हैं, कहने का मतलब है जब आप उस आत्मा को